तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 का थोड़ा सा प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि मार्केट देखिए पिछले 5 दिन से करीब करीब 5.5% की गिरावट दिखा चुका है, तो आगे निफ्टी मतलब और कितना गिरेगा मार्केट और कहां से सपोर्ट लेकर रिवर्सल लेकर ऊपर जाएगा, टेक्निकली भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है टेक्निकली भी देख लेते हैं। जैसे देखिए मार्केट में क्या हो रहा है कि पिछले 5 दिन से करीब करीब देख सकते हैं 4.5% गिरावट है, और अगर एक दिन का बात करें तो एक दिन में भी देखिए करीब करीब यहाँ पे जो है आपका 1% का गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ, जो कि आपका मतलब फ्राइडे का सेशन था तो मतलब क्लोजिंग हुआ उतना में। तभी देखिए आगे करना क्या है, देखिए जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतना दिन से मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, और देखिए पिछला वीक पूरा मतलब 7 दिन का पूरा मतलब सॉरी 5 दिन का पूरा जो भी मार्केट ओपन था 5 दिन में पूरा एकदम प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। और देखिए इंडेक्स में इतना बड़ा गिरावट होने के बाद मतलब क्या बोले मतलब इंडेक्स में इतना बड़ा मतलब एक क्रश हो गया एक तरफ से, है ना। तो इसमें करना क्या है, देखिए इस कंडीशन में करना क्या है, देखिए इस कंडीशन में है कि आपको जो भी स्टॉक बाय कर रहे हैं तो देखिएगा उसका मतलब सस्ता होना चाहिए। पहला बात है पी पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप इस कंडीशन में जिसका पी है जो भी मतलब स्टॉक का उसका मतलब चल रहा है 50 का या 70 का पी में आप ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक को अभी नहीं ऐड करना है क्योंकि उसका वैल्यूएशन बहुत बड़ा है और अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए जिस स्टॉक का पी आपका 70-80 रुपये रहेगा तो उसमें सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगा, तो अभी उतना मतलब महंगा शेयर को ऐड नहीं करना है। अभी जो है थोड़ा सा सस्ता शेयर जो है पी जिसका देखिए 10 रुपया 15 रुपया 8 रुपया ऐसे भी शेयर है, जैसे आप ONGC को देख सकते हैं, ऐसे भी क्रूड ऑयल का अभी मतलब जो है आपका प्राइस इतना बढ़ रहा है तो क्रूड ऑयल बढ़ रहा है तो देखिए सीधा सा बात है ONGC मतलब पेट्रोल वगैरह वो सब जो भी है मतलब ऑयल नेचुरल गैस वगैरह जो भी कंपनी उस सब ऊपर का आप फोकस कर सकते हो। उस सब का पी भी क्या है कि बहुत सस्ता है, पी भी देख सकते हैं ONGC का 8-9 रुपये का मतलब पी चल रहा है, तो वो सब स्टॉक को अभी आप देख सकते हैं मतलब अपना फोकस वहाँ पे बना सकते हैं। और जो स्टॉक का पी थोड़ा महंगा है तो उसमें ध्यान दीजिए, उतना महंगा का भी 70-80 का जो है उसको ऐड नहीं करना है, जिसका सस्ता है उसको ऐड करिए। और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वाला शेयर को भी ऐड कर सकते हैं, जो 52 वीक हाई से जो है अपना मतलब 30-40% स्टॉक खसा मतलब नीचे आया है तो वो सब को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे देखिए FI वाला भी जो है माल यहाँ पे दबा के बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि एक मतलब अच्छा गुड न्यूज भी है, क्या है कि उस बेसिस पे देखा जाए तो DIH वाले भी अपना कम नहीं है, वो लोग भी माल उतना खरीद रहे हैं। अगर वो लोग मान लीजिए 9,890 करोड़ का माल बेच रहे हैं तो DIH वाले भी हम लोग का जो है 8,900 करोड़ का माल खरीद रहे हैं। अगर DIH वाले यहाँ पे मतलब बाई करना बंद कर देंगे तो समझ लीजिए आप स्टॉक फिर किस रेंज में नीचे गिरेगा, सीधा सा बात है। अगर देखिए DIH वाले सपोर्ट में खड़े हैं हम लोग का रिटेलर्स का, इसीलिए जो है मार्केट अभी उतना ज़्यादा गिरा नहीं है, 5 दिन में सिर्फ आपका जो है 4.5% लगभग मार्केट गिरा है वो है। लेकिन अब जिस दिन से सोच लीजिए DIH वाले भी मतलब बाई करना बंद कर देंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे मार्केट फिर आप मान लीजिए लोअर सर्किट भी लग सकता है उस केस में, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब तक DIH वाले हैं खरीद रहे हैं तो ठीक है, FI वाले तो चलिए उन लोग का क्या है, वो लोग तो आते जाते रहते हैं, हम लोग को मेन फोकस थोड़ा DIH ऊपर के भी रखना है, FI वाले के ऊपर ही फोकस रखना है। लेकिन वो लोग देखिए अपना बुकिंग जब करते हैं तो इसी तरह से करते हैं, और जब बाइंग ही करते हैं तो भी मतलब करोड़ों हज़ार करोड़ों में बाइंग करते हैं। अब अगर देखिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लीजिए, अभी जैसे देख सकते हैं मार्केट जो है 25,000 के पास आपका काम कर रहा है, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे अगर आप लोग मतलब देखने जाएं तो क्या मार्केट यहाँ से लग रहा है कि जैसे 25,000 को भी तोड़ देगा, ये देखिए बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो 25,000 को मान लीजिए राइटर बहुत अच्छा यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग राइटर, अगर इसको तोड़ता है तो फिर स्टॉक कहाँ पर सपोर्ट लेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा, और इसको 25,000 को स्टॉक जो है मतलब मार्केट जो है तोड़ के नीचे जा पाता है कि नहीं, ये हम लोग अभी टेक्निकल में देखेंगे वीडियो में आगे। लेकिन यहाँ पे अब लग तो ऐसे रहा है कि 25,000 को स्टॉक हो सकता है आने वाले दिनों में जो है मतलब निफ्टी 50 तोड़ के नीचे जाए, और नीचे जाए तो नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है, क्या मतलब नेक्स्ट टारगेट आपका 24,000 दिखा देगा मार्केट आने वाले दिनों में, या फिर 25,000 से ही सपोर्ट लेके स्टॉक जो है मतलब सॉरी से मतलब निफ्टी जो है ऊपर चल जाएगा, ये हम लोग टेक्निकल में अभी समझेंगे थोड़ा में। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए राइटर वगैरह तो ठीक है, अभी मतलब उस हिसाब से तो देखा जाए तो ये है, तो लग नहीं रहा है कि मार्केट यहाँ से मतलब थोड़ा बुलिश है। तो इस कंडीशन में देखिए हम जैसे बोले कि स्टॉक जो है आप फंडामेंटल अच्छा वाला स्टॉक शेयर ऐड करिए अपना पोर्टफोलियो में और थोड़ा सा होल्ड करिए, और अगर मान लीजिए कोई शेयर को ऊपर में बाई किए तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो एवरेज करना ही पड़ेगा। हम बार बार हर वीडियो में बोलते देखिए हमेशा जो है मतलब जो भी फंड आपके पास है मान लीजिए 1 लाख का फंड है तो कभी भी कितना भी बढ़िया शेयर हो उसमें देखिए एक मतलब जो भी आपका कैपिटल है मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है तो कभी भी एक शेयर में पूरा कैपिटल आप यूज नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है यूज एक शेयर में। आपको क्या है मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है तो आपको कम से कम 8 से 10 शेयर में जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब स्विंग ट्रेड करिए या मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट करिए तो आपको कम से कम 8 से 10, अगर 8 शेयर में कर रहे हैं तो 12,000 करके इन्वेस्टमेंट करिए। तो उस केस में क्या है मान लीजिए आप 8 शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 8 में से अगर मान लीजिए मतलब 3 शेयर में आपका लॉस हो गया तो वो 5 शेयर का जो है आपको मतलब प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसे ही करना है, जितना पूंजी है हम 1 लाख का बस एक तो एग्जांपल दे, आपके पास जितना पूंजी होगा 10 लाख 15 लाख 20 लाख कैपिटल लेकर आए तो आप उस हिसाब से अपना स्टॉक को बायफॉरगेट कर लीजिएगा और उस हिसाब से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और कम पी वाला शेयर में ऐड करके अपना जो है वहाँ पर नज़र रखिए।
और ऐड करते रहिए धीरे धीरे, जैसे ही मार्केट गिरेगा अच्छा अच्छा फंडामेंटल वाला शेयर को धीरे धीरे ऐड करिए। और कभी भी एक शेयर में जो है एक साथ पूरा पूंजी मत लगा दीजिए, अब कितना भी बढ़िया शेयर हो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा करिए। मान लीजिए स्टॉक नीचे गिरता है तो वहाँ पे फिर नीचे आया सपोर्ट के पास तो वहाँ पे फिर से हम लोग एवरेज करेंगे, ठीक है, सीधा सा बात है। और अगर मान लीजिए स्टॉक वहाँ से निकल जाता है तो आप बोलिएगा सर ऊपर से अगर मान लीजिए यहाँ पर हम खरीदे और ऊपर निकल गया तो हम अगर ज़्यादा पैसा लगाए तो कोई बात नहीं, निकाल दीजिए स्टॉक को। अरे ठीक है, आप मान लीजिए एक स्टॉक में 10,000 रुपये लगाए हैं तो अगर निकल जाएगा तो 10,000 के ऊपर हमको प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वही अगर 10,000 से मतलब खरीदे जहाँ पे उससे अगर नीचे आए तो फिर उस टाइम जो है ना मतलब प्रॉफिट तो बर्दाश्त होता है लेकिन लॉस जिस टाइम आता है ना तो उस टाइम हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है, तो उस टाइम लगता है कि जैसे अभी बेच के निकल जाएं। तो सीधा बात है, तो देखिए जितना पूंजी है उसी हिसाब से कैपिटल के हिसाब से आप जो है वहाँ पे 8, 10, 15, 20 उस हिसाब से मतलब शेयर अपना पोर्टफोलियो में रखिए। और अगर मार्केट गिरता है तो उस बेस पर अगर फंडामेंटल अच्छा शेयर है तो उसको एवरेज भी कर सकते हैं आप। और अगर फ्रेश बाइंग भी करना है तो सपोर्ट के पास आ रहा है तो वहाँ पे फ्रेश बाइंग करिए। मतलब ये अगर मार्केट गिर रहा है मतलब ये एक मतलब मौका है हम लोग के लिए, तो मौका है, मौका का फायदा उठाना है। अभी हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल भी देख लेते हैं कहाँ पे सपोर्ट है क्या बन रहा है निफ्टी में। जैसे कि देख सकते हैं अभी हम लोग टेक्निकल चार्ट में आ गए हैं, ये निफ्टी का चार्ट है। हर बार क्या कर रहा है स्टॉक यहाँ पे आकर निफ्टी जो है आपका मतलब सपोर्ट ले रहा है। अभी देखिए कर क्या रहा है, निफ्टी जैसे ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया सपोर्ट दिया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, तो ये भी एक सपोर्ट बन रहा है और ये भी एक मतलब आपका जो है रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। अभी देखिए करना क्या है, करना कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है ईएमए के नीचे में कैंडल बना दिया है तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में अगर थोड़ा सा मान लीजिए तेज़ी आता भी है हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से बाइंग आए जो कि मतलब जेन्युइन नहीं होगा, तो उस कंडीशन में आपको आके क्या है कि जो स्टॉक मान लीजिए थोड़ा सा 4-5% बढ़ जाता है तो वहाँ पे आपको मतलब फ्लो में आके शेयर को बाय नहीं करना है, वहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है कि जेन्युइन मतलब भाग रहा है या फिर ऐसे ही मतलब उसको जो है भगाया जा रहा है, तो वो देखना है। देखिए 2-4% का तेज़ी के पीछे अभी आज का डेट में नहीं आपको पढ़ना है जब तक बुलिश ट्रेंड नहीं आता, क्योंकि देखिए निफ्टी का यहाँ पे ट्रेंड जो है आपको बुलिश लेने के मतलब नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए कहीं ना कहीं इस रेंज में निफ्टी को आएगा मार्केट जो कि आपका है 24,750 मतलब 24,750 यहाँ तक कहीं ना कहीं निफ्टी सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, हमको ऐसा लग रहा है। अब यहाँ तक आए तो ठीक है, यहाँ पे आगे मान लीजिए हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके तो यहाँ एक बार सपोर्ट लेके यहाँ से चढ़ाता है, हो सकता है यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर से एक बार मार्केट चढ़ जाए। और अगर इसको ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि जिस प्रकार से सेलिंग प्रेशर है अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो आपको नेक्स्ट लेवल 24,000 का दिखा देगा मार्केट बहुत जल्दी। क्योंकि देखिए पुट राइटर भी क्या होता है कि मान लीजिए कभी कभार ऐसे मतलब इस मौके में वो लोग भी देखते रहते हैं सपोर्ट वगैरह अगर टूटता है तो वो लोग अपना पोजीशन यहाँ पे मतलब जो है हटा के निकलने का कोशिश करता है, तो आपको भी ध्यान रखना है कहीं सपोर्ट को तोड़ के नीचे नहीं ना आ रहा है। अगर ये सपोर्ट को तोड़ दिया तो फिर 24,000 का टारगेट आपको स्टॉक मतलब मार्केट जो है दिखा देगा आने वाले कुछ दिनों में। तो देखिए ये सब चीज़ सपोर्ट वगैरह थोड़ा सा देखना पड़ता है, क्यों अगर मान लीजिए अगर 24,000 में मार्केट आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सब स्टॉक जो अभी मतलब मिल रहा है आपको थोड़ा सा मतलब 8-10% का तो मतलब आराम से आपको सस्ता स्टॉक मिल जाएगा, कितना फंडामेंटल बढ़िया हो। तो उस कंडीशन में क्या है कि आप 8-10% नीचे अगर स्टॉक आ रहा है तो वहाँ पर घबराना नहीं है, उस कंडीशन में आपको जो है स्टॉक को ऐड करना है अपना पोर्टफोलियो में। जितना सस्ता गिरेगा उतना बढ़िया फंडामेंटल शेयर वाला कम पी वाला शेयर ONGC टाइप का स्टॉक जो है तो उसको आप जो है अपना पोर्टफोलियो में ऐड करते रहिए धीरे धीरे। और देख लीजिए यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो ठीक है बहुत बढ़िया बात है, अगर यहाँ पे सपोर्ट तोड़ के नीचे आता है तो फिर 24,000 का टारगेट जो है आने वाले दिनों में मार्केट हम लोग को दिखा देगा। अगर 24,000 आता है तो वहाँ पे हम तो बोलेंगे कि आप मतलब पैसा अपने पास कैश इन हैंड रहिए हमेशा। अगर यहाँ तक मार्केट आता है 24,000 तक तो वहाँ पे बिना डरे बढ़िया बढ़िया फंडामेंटल शेयर आप हमें मतलब पूरा ऐड करते रहिए। देखिए मार्केट रिवर्सल तो करेगा, आज नहीं तो कल मार्केट को रिवर्स करना है, क्योंकि देखिए मार्केट ऐसे ही चलता है। अब अगर मतलब प्रीवियस कुछ मतलब यहाँ पे देख लीजिए प्रीवियस अगर डेटा देखिए आप मार्केट सीधा से बात देखिए भागेगा फिर नीचे आएगा फिर जाएगा नीचे आएगा फिर नीचे फिर ऊपर मतलब ऐसे ही चलता है मार्केट। ये देखिए मतलब धीरे धीरे देखा जाए ऊपर नीचे होता है लेकिन जा रहा है आपका कैसे ट्रेंड जो है ऊपर ही जाएगा। ठीक है अभी भी बुकिंग आया कोई बात नहीं, मार्केट में बुकिंग तो आना है। अब देखिए हमेशा एक ही मतलब ऐसे ऊपर का तरफ जाए लगे तो फिर मतलब मज़ा नहीं आएगा, ऊपर जाएगा तो फिर मतलब जो लोग ऐड नहीं किए स्टॉक को नीचे में तो वो तो कभी नहीं ऐड कर पाएंगे, सीधा रॉकेट ही बन जाएगा, ऐसे नहीं ना होता है मार्केट। तो जो लोग मतलब ये कि आप तरफ से देखा जाए तो बेनिफिट है जो लोग छूट गए हैं जो लोग यहाँ पे ऐड नहीं कर पाए स्टॉक को तो अभी उन लोग के लिए फिर मौका मिल रहा है यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए, तो बढ़िया है। जितना मार्केट गिरे वहाँ पे आप लोग को बस कैश इन हैंड रहना है और बढ़िया फंडामेंटल शेयर, ऐसा नहीं कि कोई भी अरे शेयर में घुसा दिया, नहीं अच्छा फंडामेंटल पी सस्ता देख के उस कंडीशन में आप मतलब अपना शेयर पोर्टफोलियो में ऐड करिए और वेट करिए। अच्छा यहाँ से रिवर्सल आएगा बाउंस बैक, यहाँ तक अगर आ गया मार्केट तो यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक देगा और जो कि मतलब 52 का हाई फिर से मार्केट यहाँ पे लगाएगा। तो ये है देखिए टोटल निफ्टी 50 के बारे में, इस मार्केट के बारे में टोटल मेरा व्यू हम अपना रख दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।